जितने दिनों तक गठबंधन की सरकार चलानी थी चला लिया, गठबंधन धर्म निभा लिया, लेकिन अब इसके आगे मुश्किल हो रही थी राह, अब इसके आगे सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए इस्तीफा दे दिया। हाँ, आगे क्या होगा इस पर इंतजार कीजिए, अभी कयास नहीं लगाइए, ये कहना था नीतीश कुमार का, जो फिलहाल कार्यकारी मुख्यमंत्री रहेंगे क्योंकि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। अजय जी भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय जी, जिस तरह से कह रहे हैं नीतीश कुमार कि वो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इशारों इशारों में सब कुछ कह दिया कि लालच की हद होती है, कितना पैसा आप लेंगे, यानी सीधे सीधे इशारा था। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार ने आज अपना मास्टर स्ट्रोक सामने रख दिया है और अब इसके बाद हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा आश्वस्त रहने की, या यूं कहें कि बहुत चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि बिहार की जनता की भलाई के लिए वो किसी भी प्रस्ताव पर जल्दी आते हैं आपके पास। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो दिखाते। ये स्पष्ट है कि लालू जी की तरफ से जो टिप्पणी आई थी कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे और न तो कोई स्पष्टीकरण देंगे, उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप है, आपको पता है, भ्रष्टाचार के हैं, बिना अपेरेंट सोर्स के बड़ी बड़ी संपत्ति उनके नाम से आई है। तो नीतीश कुमार आग्रह कर रहे थे कि वो एक्सप्लेन करें, उन्होंने साफ कहा कुछ गड़बड़ नहीं है और इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार जी ने आज एक फैसला किया है, अब उनको आगे तय करना है। मुझे पीड़ा अपने बिहार के लिए है, ये गठबंधन न कोई विचारधारा का था, न ये गठबंधन कोई समन्वय का था, ये तो डर का गठबंधन था, भाजपा का डर था, लेकिन उसके कारण बिहार का गवर्नेंस समाप्त हो गया है। अब नीतीश जी को तय करना है, उन्होंने एक कदम उठाया है, अब आगे उनको रणनीति क्या करनी है। लालू प्रसाद जी ने साफ कह दिया कि मेरे बेटे इस्तीफा नहीं देंगे और हम नीतीश जी को सरकार चलाने के लिए कहेंगे। तो नीतीश जी जो अपनी छवि के लिए बहुत सावधान रहते हैं, तो उनको तय करना है। अब उन्होंने एक इस्तीफा दिया है, अब आगे की राजनीति क्या बनती है इसको देखना पड़ेगा। की भी तो जिम्मेदारी सर, स्थायित्व तो बिहार में स्थायित्व तो रहे, जिम्मेदारी बीजेपी की तो है, तो आप लोग क्या पॉसिबल है कि नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं सपोर्ट? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार जी अटल जी के समय से हमारे साथ रहे, मंत्री रहे हैं। 2005 से 2013 तक 8 साल तक हम लोग सरकार में रहे हैं, हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें छोड़ा था। अब बाकी उनको तय करना है, अब क्या फिर से साथ है? अब अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात अवश्य है कि बिहार की राजनीति अभी अनिश्चितता के दौर में है। अब हमें नीतीश जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए और लालू जी के अगले कदम का इंतजार करना चाहिए। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीतीश जी और लालू जी का ये जो पूरा अलायंस था, ये बेमेल अलायंस था। लालू जी जहां भ्रष्टाचार की कोई कीमत नहीं है, नीतीश जी इस पर चिंता करते हैं, अब उसमें एक स्थिति पैदा हुई है, आगे देखते हैं क्या होता है। सर, आपको समर्थन मांगेंगे बीजेपी से बीजेपी इस बात को लेकर फैसला करेगी, समर्थन? अगर ऐसा कुछ मांगेंगे तो फिर पार्टी का नेतृत्व इसमें विचार करेगा ना सर। मैं काल्पनिक सवालों का उत्तर नहीं दे सकता। सर, आपको लगता है कि गठबंधन अब फाइनली टूट गया है या अभी भी कुछ आपको? अब वो राज्यपाल किसे मिलने गए हैं, अब प्रेशर काउंटर प्रेशर पर मैं क्या बोलूं। मैं बिहार से आता हूं तो मुझे अपने प्रदेश की चिंता है और स्थायित्व की चिंता है, और एक बात अवश्य कहूंगा, ये तो होना ही था। तो अनिश्चितता की ये राजनीति है और ये तो होना ही था, ये कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, नीतीश ने आज इस्तीफा दे दिया है, कयास लगातार चल रहे थे कि क्या होगा बिहार की राजनीति में, क्या तेजस्वी का इस्तीफा होगा, लेकिन तेजस्वी का इस्तीफा तो नहीं हुआ, उल्टा नीतीश कुमार ने जरूर इस्तीफा दे दिया और साथ ही महागठबंधन टूट गया, क्योंकि ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है और कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन यदि सचमुच में उन्होंने दिया है और इसलिए दिया है कि तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो ये बहुत गंभीर मामला है। सर, क्या दबाव बनाने की रणनीति आप देख रहे हैं? वही हमने कहा ना कि अभी तक मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया नहीं कि अभी तक इंटरनल मामला है। सर,
सर आप लोग कह रहे थे कि एनडीए में उनका स्वागत है, अब तो नहीं नहीं पहले अभी हमने कहा नहीं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, गवर्नर के यहाँ इस्तीफा दिया है। जरा कल तक वेट कीजिए कि क्या होता है उसमें, मतलब कितना क्या है नहीं है, कितना दम है क्या है नहीं है, वो जरा सा एक बार, क्योंकि बार बार हम लोग देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, आप लोग भी कहते रहते हैं, तो एक बार यदि ढंग से क्या कहते हैं कि जो चीज होना है 9 या 6 इस पार या उस पार एक बार हो जाए तब उसमें अपना विचार देना सही होगा। इस्तीफा दे दिया उन्होंने तो अब लगातार बयान आने लगे हैं तमाम नेताओं के और अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन हाँ हर कोई इंतजार जरूर कर रहा है। अजय जी, वैसे बयान जो आ रहे हैं आपको क्या लग रहा है, अनिश्चितता है या निश्चितता है कि दोनों गठबंधन अब एक होने वाला है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि एक कदम उन्होंने बढ़ा दिया है, क्या दूसरा कदम बीजेपी बढ़ाएगी? इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस अवसर का इंतजार लगभग 20 महीने से लगातार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ चुनाव में जाना चाहती थी बिहार के, लेकिन नीतीश कुमार को उस वक्त ये बात मंजूर नहीं थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस मुद्दे के साथ वो विपक्ष को एकजुट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही यह बात तय हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं, तो आइए जरा देखते हैं केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, जरा ये देखिए। आदर्शों का पालन करने के लिए उनको शाबाशी देती है, उनको मुबारकबाद देती है और इस संकट में पार्टी उनके साथ है। उन्होंने ये भी कहा सर कि उन्होंने गठबंधन का पालन किया, कहीं ना कहीं वो पीड़ाएं भी व्यक्त की कि कैसे उन्हें अपने ही पार्टी अपने ही गठबंधन से टारगेट किया गया, नोटबंदी के समर्थन में या रामनाथ कोविंद के समर्थन में। हमारी सहयोगी पार्टियां और कुछ नेता नीतीश कुमार जी के बढ़े हुए राजनीतिक कद और हैसियत से असहज महसूस करते थे, चाहे डिमोनेटाइजेशन का मामला हो और चाहे और मसले हो, उस पर नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक निंदा अभियान समूचे देश में चलाया गया, हम उससे भी खिन्न थे। और भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप लगने के बाद, जांच एजेंसियों की रपट आने के बाद, कई एजेंसियों के छापे लगने के बाद, हम अपेक्षा करते थे, चूंकि हम 3 बार मंत्रियों का इस्तीफा ले चुके थे और आज भी मैंने सुबह कहा था कि अगर तेजस्वी यादव जेडीयू के मिनिस्टर होते तो अब से काफी समय पहले उनका इस्तीफा हो चुका होता। इन मर्यादाओं का पालन करने में भी गठबंधन के सहयोगी साथी नाकामयाब रहे। तो मर्यादाओं का पालन करना था इसीलिए इस्तीफा दे दिया है और जेडीयू साथ खड़ी है नीतीश कुमार के। पर अजय जी, नीतीश कुमार की तमाम बातों में एक बात जो निकल के आई वो ये था कि मैं बहुत असहाय हो गया था, लगातार वो कोशिश कर रहे थे, क्या वाकई इतने असहाय हो गए थे या और मजबूत हो गए हैं नीतीश कुमार अब इस्तीफा दे? कोई शक नहीं है कि वो असहाय थे और असहाय इसलिए थे क्योंकि राज्य के प्रशासन में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का दखल इतना ज्यादा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग करा पाने में भी नीतीश कुमार अपने आप को असक्षम पा रहे थे। इस बीच हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि देखिए राजनीति किस करवट बदल रही है। एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, बाहर निकलकर पत्रकारों से बातचीत करते हैं और इतने ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बधाई देते हैं कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस लड़ाई को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें हमारी शुभकामनाएं। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अब नीतीश कुमार के लिए अपना समर्थन खुले हाथ से उनके पास पहुंचाने जा रहा है। 71 विधायकों का समर्थन जेडीयू के पास है और ऐसे में 58 विधायक जो कि एनडीए के हैं, अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो 129 विधायक होते हैं जो कि बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। और ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो बस अगले ही क्षण अपनी सरकार का समर्थन ले सकते हैं बीजेपी और एनडीए से और उसके साथ साथ विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं और उसके बाद एक सुनियोजित सरकार चला सकते हैं जो उनका पूरा अभी 40 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब से इस महागठबंधन की बात सामने आ रही थी तब से ही ये बात स्पष्ट थी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दो तलवार एक म्यान में कभी नहीं रह सकते। तो आइए जरा हम आपको सबसे पहले समीकरण दिखा दें क्योंकि इसके आधार पर स्पष्ट हो जाएगा हमारे दर्शकों को कि दरअसल ये समीकरण किस हक में कैसे जाता दिखाई दे रहा है। आप अगर समीकरण को अभी देखें तो अपने आप में ये स्पष्ट होता है कि हम अभी आपको ये आंकड़े दिखा रहे हैं और आप देखिए 80 सीटें आरजेडी के पास थी, 27 सीटें कांग्रेस के पास, 71 जेडीयू के पास,
58 एनडीए के पास और अन्य के खाते में 7 सीटें थीं। लेकिन अब जबकि हम इस नए समीकरण की बात कर रहे हैं, वहां पर अगर आप देखें तो जेडीयू के 71 सीटों को अगर 58 सीटों के साथ मिला दें तो 129 सीटें बनती हैं, और 129 सीटें 50 से कहीं ज़्यादा हैं क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 122 है। तो ऐसे में इसमें कोई शक नहीं है कि जेडीयू और एनडीए की साझा सरकार वहां बन सकती है, और इसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे के साथ ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता के हित में अगर कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी पहल होती है, तो वो और उनकी पार्टी इस पर विचार करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दे चुके हैं, तो शुभकामना के ऊपर अब और चर्चा करने का शायद कोई मतलब बनता भी नहीं है। लेकिन अजय जी, जो आप ये कह रहे हैं बिहार का हित, ये दो नेताओं के बयान में आया, एक नीतीश कुमार के बयान में कि बिहार के हित के लिए, और रविशंकर के बयान में कि बिहार की चिंता है। अब ये बिहार का हित होगा या किन पार्टियों का हित होगा नीतीश कुमार का इस्तीफा देना? इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के हित में सबसे पहले नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस महागठबंधन बनाकर सामने आए थे। लेकिन अब बिहार का हित इस बात में है कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएं। जाहिर सी बात है, हम बिहार की हित की बात नहीं कर रहे, हम किसी राज्य या किसी प्रदेश या किसी जनता की हित की बात नहीं करते, यह राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात है। आइए जरा बीजेपी मुख्यालय चलते हैं। रवि इस वक्त हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। रवि, ये बताइए कि बीजेपी मुख्यालय में अभी वहां पर बैठक भी चल रही थी, तो क्या ये बात स्पष्ट होती दिख रही है कि बिना शर्त समर्थन देने की जो एक हल्की हवा में बात चल रही है, उसे वास्तविकता दी जा सकती है, और बहुत जल्द हो सकता है कि नीतीश कुमार इस बात पर ऐलान भी कर दें? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक प्रारंभ हुई है, और इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, और बिहार में जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में ये बैठक बेहद अहम है। भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, फिलहाल इस बैठक में तय हो जाएगा। लेकिन सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले नीतीश कुमार को अप्रोच नहीं करेगी, क्योंकि पहले भी बिहार में इस गठबंधन की सरकार रही है और गुड गवर्नेंस के नाम पर वो सरकार चलाई गई है। अगर नीतीश कुमार की तरफ से कोई पहल की जाती है तो बीजेपी सपोर्ट देने के लिए, बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो बेहद रोचक है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक अहम कदम उठाया है नीतीश कुमार ने। उससे भी संकेत बिल्कुल मिल रहे हैं कि अब जो है जेडीयू और बीजेपी की राहें एक होने जा रही हैं, और उसके लिए फिलहाल कुछ समय लगेगा, लेकिन बीजेपी ने संकेत देने प्रारंभ कर दिए हैं कि अगर नीतीश कुमार की तरफ से पहल की जाती है तो बीजेपी उसके लिए तैयार हो जाएगी। आइए जरा हम अपने दर्शकों को ये ताज़ा तस्वीरें दिखा दें। ये पटना की तस्वीरें हैं जहाँ की बीजेपी विधायक की बैठक चल रही है, सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, और बीजेपी विधायक मंडल से बहुत जल्द ही हो सकता है कि एक खुशखबरी या यूं प्रस्ताव भी सामने आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चाहते हैं कि जेडीयू की सरकार बनी रहे और बिहार की जनता पर कोई चुनाव का बोझ ना लादा जाए, क्योंकि अगर सरकार अभी नहीं बचती है, क्योंकि स्थिति यही बनती दिख रही है कि या तो एनडीए और जेडीयू की साझा सरकार होगी या फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन और उसके बाद चुनाव के आसार दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति शासन दरअसल कम से कम जेडीयू और उसके साथ साथ बीजेपी के हक में जाए ऐसा दिखता नहीं है। दोनों पार्टियां चाहेंगी कि अभी चुनाव ना हो बल्कि साझा सरकार चले। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक अहम की बात है कि क्या पहले नीतीश कुमार बीजेपी के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमें समर्थन दीजिए, शायद इसकी आवश्यकता अब उतनी पड़ती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरह से मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जिस प्रधानमंत्री पद के और ओहदे को लेकर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया था और जो स्वर उस समय बाहर निकले थे, वो स्वर आज बहुत मध्यम पड़ चुके हैं, और नीतीश कुमार मान चुके हैं कि बिहार के बाहर उनकी भूमिका कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में बहुत ज़्यादा खड़ी होती नहीं दिखाई देती। कम से कम राजनीतिक आकलन इसी तरीके से किया जा सकता है, और इस आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री अगले 40 महीने तक बना रहना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी बात होगी। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि नीतीश कुमार ने अपने इस बयान में जो कि इस्तीफा दिया है, उसके तुरंत बाद उन्होंने जो दो बातें स्पष्ट तौर पर कहीं, उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी हुई तो तमाम राजनीतिक दल, जो कि खास करके उनके सहयोगी दल हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था, लेकिन नीतीश कुमार ये मानते थे कि नोटबंदी आम जनता के हक में है, काले धन के खिलाफ है, और ये उनकी नीति रही है। दूसरे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जब राष्ट्रपति कोविंद को समर्थन देने की बात आई
तो आई उस वो भी स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि कैसे उनका खुद ही उनके लोगों ने उनका विरोध किया और ये बात उनके गले के नीचे उतरी नहीं। तो आइए जरा आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति को कैसे साफ किया है राज्यपाल को अपना चुनाव इस्तीफा देने के बाद। सात निश्चय उस पर अमल करना प्रारंभ किया। बिहार में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई शराबबंदी लागू करके, और जो कुछ भी काम पहले से चल रहा था, चाहे वो कृषि विकास का कृषि रोडमैप से संबंधित हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, सड़क हो, पुलिया हो, बिजली का सवाल हो, कल्याण से संबंधित जितनी योजनाएं हो, सब के लिए हमने निरंतर काम करने की कोशिश की। और यात्रा के दौरान हमने स्पॉट पर हर जिले में जो योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है उसको हमने देखा, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की, यानी जितना भी संभव है हमने वह काम करने की कोशिश की है। 20 महीना भी पूरा हो चुका, एक तिहाई जिसको कहते हैं अब, लेकिन इस बीच में जो चीजें उभर कर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से, हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले, हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी हंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है। तो इस्तीफे के बाद अपनी स्थिति साफ कर दी है नीतीश कुमार ने, लेकिन इस बीच लगातार राजनीतिक गहमागहमी बढ़ रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक फिलहाल दिल्ली में चल रही है, क्या तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले लगातार बयानों का सिलसिला भी बीजेपी नेताओं का चल पड़ा है। रविशंकर प्रसाद सामने आए, रामविलास पासवान सामने आए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो खुद ट्वीट करके बधाई भी दे दी और कह भी दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है। यानी इसके आगे तो अब कोई बात रही नहीं जाती है।